हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। फ्रेंड्स देखिए मेरे पास कितनी सारी चैन है। देखिए कुछ बाइसिकल के हैं, कुछ साइकिल है, कुछ मोटरसाइकिल की हैं। एक ही होता है बाइसिकल साइकिल, खैर छोड़ो। देखिए गाइस बाइक की है, साइकिल की है, और देखिए ये बाइक के लिए की टाइम चैन है, इंजन की। गाइस इन्हें भाई चैन नहीं है, वैसे इनका नाम चैन है। गाइस जब ये नए नहीं आती है ना तब तो भाई बहुत काम आती है, लेकिन गाइस जब ये पुरानी होती है भाई फिर और भी ज्यादा काम आती है। तो गाइस आज इस वीडियो में ऐसे ऐसे जुगाड़ लाने वाला हूं इस चैन से, यानी कि जो पुरानी चैन है। आप फ्रेंड्स यकीन मानिए फेंकोगे नहीं, और भाई इस वीडियो को देखने के बाद कपाड़े में लेकर आओगे इन चैन को ढूंढ के कि भाई हमें ये काम करना है। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चलेगा चलते अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आइटम नंबर 1 पर आते हैं। गाइस ये क्या है? ये अखरोट वॉलनट। अब भाई देखिए इन्हें तोड़ना काफी मुश्किल होता है। नहीं 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 दांत से तोड़ूंगा भाई, मैं एमडीएच वाले बाबा थोड़ी हूं। देखिए ये काफी मजबूत होते हैं। चले गाइस इनका भाई तोड़ने का जुगाड़ बनाते हैं पुरानी चैन से। तो गाइस इस आइड के लिए हम कोई भी चैन ले सकते हैं। अगर भाई मोटी चैन ले जैसे की बाइक की, तो गाइस मजे आ जाएगा। देख सकते हो ये चैन है, इसे रखते हो फिलहाल साइड में। तो चले गाइस अब फटाफट से प्रोसेस करते हैं, बन रही है। तो गाइस यहाँ पे अब लेंगे कुछ अखरोट, कुछ नहीं एक ही लेंगे, सबसे छोटा चुन लेते हैं इनमें से। वैसे ही सबसे छोटा लग रहा है मेरे को। तो भाई यहाँ पे है ये रहा, वो जितना मर्जी आप ले सकते हो। अगर ज्यादा लंबा इसका हैंडल लोगे तो गाइस काफी हैवी हो जाएगा, लेकिन आसानी काफी रहेगी तोड़ने में। तो भाई हमें ज्यादा हैवी नहीं करना, इतने बेचारे मजबूत में पत्थर थोड़ी है, टूट जाते हैं। तो हम थोड़ा बहुत लेंगे, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इस कड़ी को भी। इन डिब्बों पर मैंने हथौड़ा बजा दिया, तो भाई देखिए थोड़े टाइट हो गए। देखिए चैन देख सकते हो बिल्कुल टाइट हो गई है। फटाफट कर देते हैं वेल्डिंग। लीजिए गाइस ये वाला टूल भाई बन चुका है, काफी अच्छा भी लग रहा है। देखते हैं, नहीं उंगली नहीं काटेगा इस तरीके से। गाइस इसे देख के भाई मुझे पुराने समय की याद है कि दादी नानी अम्मा हमारी जो पहले समय सुपारी या छाली होती है ना, पान खाती थी, तो बस तोड़ना कुछ एक गैजेट था, एक टूल था कटर वटर टाइप का। तो भाई मुझे पता नहीं से क्या कहते हैं, प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएगा आपको पता हो। चले गाइस फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं, कोई भी आप छोटा बड़ा कोई भी तोड़ सकते हो। देखिए चलिए सब छोटा लेते हैं। देखिए बहुत प्यार से, देखिए भैया मैंने थोड़ा ज्यादा भी दिया, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल जिंदा निकला जो बात है आपके सामने। टूटा भी नहीं, देखिए मतलब कवर कवर टूटा है पूरा, और अखरोट बिल्कुल जिंदा निकला है, साफ होता निकला है। इस रखते हैं साइड में, आपका थोड़ा सा हैवी ले लेते हैं, इस तरह लगाइए और प्यार से देखिए, बस बस ज़्यादातर तो चोरा बन जाएगा भैया। भाई ऐसे अखरोट तो मैंने कभी नहीं तोड़े, यकीन मानिए फ्रेंड्स। मैं तो भाई देखिए मैं ये तोड़ देता हूँ, अरे भाई जिंदे निकल लें। देखिए क्या बात है, जब आते भाई घर वाले घुस हो जाएंगे। इस टूल को तो मैं यूज करने वाला हूँ जरूर, काफी अच्छा काम कर रहा है। आप फ्रेंड्स ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, चलेगा फटाफट साइड में इधर चलते हैं। बड़ा लग रहे हैं, नीचे ले आकर करेंगे, ये खा लें सारे, बाद में करेंगे छोटी मोटी, ताकत की जरूरत है। ले ले यार तो घर की बात है भाई, सारे खा जाएंगे। चलो चलो काम करते हैं। भैया कैमरा बंद कर ले। तो भाई हम कहाँ थे? बाइक रोड पे थे हम। अरे भाई हम ड्यूटी पे हैं। नेक्स्ट आइडिया भाई, नेक्स्ट। चले गाइस फटाफट नंबर 2 पे चलते हैं। भाई ये है कढ़ाई और ये है बॉल, आप कोई घड़ा भी ले सकते हो जिसे हम चिकना घड़ा कहते हैं। देखिए अब दिक्कत ये, देखिए ये रुक नहीं पा रहे हैं। अगर मैं रखता हूँ, देखिए ये तो रुक रहा है, लेकिन फिर भी गिरने के चांस तो है, घड़े के भाई चांस ही नहीं होते, वो तो गिरता ही गिरता 100%। तो भाई इसका जुगाड़ करते हैं रोकने का। तो भाई यहाँ मैंने अप्रोक्स 18 इंच लेंथ की चैन कट कर ली है, और मैं इन्हें आपस में जोड़ने वाला हूँ। ये काफी सिंपल जुगाड़ होने वाला है, लेकिन 100% वर्किंग है अगर आप मुझे याद करोगे। पहले मैं जोड़ देता हूँ। तो ये भाई ये बन गया एक तरह का हार, इसे आप कैसे कर सकते हो छोटा या बड़ा। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यानी कि टेस्ट नहीं दिखाता हूँ इसकी करके। तो भाई ये बॉल है, और मैं इसको पकड़ता, देखिए ये नहीं निकलेगी, या मैं इसे बिल्कुल गोल करता हूँ। देखिए बिल्कुल गोल हो गया बॉल। प्रॉब्लम एक है, ये लूज है, ये रिंग काफी बड़ा है। बॉल देखिए छोटी, देखिए नीचे जो है देखिए काफी स्पेस है। तो एक तरीका है, इसे थोड़ा कम कर लीजिए, अब कर सकते हो, अब बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इस चैन का ये फायदा है, अगर आप अलग से कोई रिंग बनाओगे लोहेगा तो गाइस वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा, लेकिन ये छोटा और बड़ा हो सकता है। आप इस बॉल को आराम से रख सकते हो कहीं जाने वाली, और गाइस इसी तरीके से आप घड़ा भी रख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, बहुत छोटे छोटे घड़े भी आते हैं, बड़े बड़े घड़े भी आते हैं, आप आराम से इसे एडजस्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग इसका बॉटम बना सकते हो। देखिए बिल्कुल बढ़िया रुक गई है, अब देखिए। अब भाई यह है कढ़ाई, कढ़ाई आसानी से देखिए आ गई, लेकिन थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए हमारी कढ़ाई को, तो मैं थोड़ा बड़ा स्पेस कर देता हूँ। तो कोई कढ़ाई हो गई, कोई पतीली होगी, देख चुकी बहुत अच्छी तरह से इसमें आ रही है भाई, कहीं भी कुछ भी नहीं गिरने वाला। इस चैन का एक फायदा और भी है, जो फ्रेंड्स सॉलिड होता है वो भाई आप इसे फोल्ड करके नहीं रख सकते, इसे आप आराम से फोल्ड कर कहीं भी किसी भी कोने में रख सकते हो, जगह नहीं गिरेगा, बिल्कुल सेफ है। तो गाइस ये काफी अच्छा जुगाड़ है, आप किचन में इसे रख सकते हो, साइकिल की बना सकते हो, मोटरसाइकिल की बना सकते हो,
तो गाइस आई होप ये आइडिया काफी अच्छा लगा, देखो लोग प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक करें। चले गाइस फटाफट थर्ड नंबर तरफ चलते हैं, काफी मजा आने वाला है। तो भाई काफी देर होगी बाइक की चैन यूज करते करते, हम अपनी प्रिय साइकिल की चैन का यूज कब करेंगे? अभी करेंगे। ये रही चैन, इतनी तो बहुत है बॉस। वैसे गाइस कितनी अच्छी लगती है छोटी छोटी चैन, देखिए काफी प्यारी लगती है यार। इसका भी यूज अभी करने वाले हैं, बहुत बेस्ट यूज का होने वाला है, पहले इसको देख लेते हैं। तो गाइस इसमें से मैंने दो पार्ट कट कर ली, देखी इस तरीके से दो कड़ी, एक दो और देखा जाते ढाई दो जो भी है, देखी इस तरीके मैंने कट कर ली है दो पीस। अब इसका काम क्या है भाई, बहुत बड़ा काम इसका होने वाला है। यह है हिंज, तो आपने गाइस देखा काफी हल्का वो जल्दी खराब हो जाता है, जिसे कब्जा भी कहते हैं, जिसने कब्जा कर रखा है सबके ऊपर। तो भाई इस कब्जे काम ये करने वाली है, और भाई बहुत ही मजबूती से बिल्कुल एक्यूरेट। चलिए भाई एग्जांपल देख लेते हैं। तो भाई ये दो लकड़ी और यहाँ पर इस तरह से इसे लगाएंगे। ये रहे कुछ स्क्रू। तो गाइस मैंने बहुत अच्छे से लगा दी, अब इसके फायदे देख लेते हैं। जो हिंज होता है वो सिर्फ ऐसे चल सकता है एक साइड, लेकिन गाइस ये टू साइड चल सकता है, देखिए ऐसे चल सकता है और भाई ऐसे भी चल सकता है। क्या बेनिफिट होगा देखिए, फर्क समझ रहे हो? जो नॉर्मल हिंज होता है वो सिर्फ इस तरह चलता है एक साइड से, लेकिन गाइस ये यहाँ भी चलेगा और भाई इधर से भी चलेगा। तो देखिए कितना फोल्ड हो गया, तो काफी मजबूत भी होती है। आप जानते हैं चैन कितनी मजबूत होती है, आप इस तरह से हिंज बनाकर नए प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर ये हिंज होता तो खाली इस तरह चलता प्लान, लेकिन गाइस देखिए ये ऐसे भी चल रहा है इस तरीके से और इस तरीके से भी चल रहा है, देखिए इस तरह से भी चलेगा और भाई इस तरह से भी चलेगा। तो गाइस आई होप ये वाला आइडिया आपको काफी अच्छा लगा, चलेगा फटाफट फोर नंबर की तरफ चलते हैं। तो भाई हमारी आ गई है प्यारी दुलारी छोटी नन्नी मुन्नी सी चैन, क्या मस्त लगती है बॉस, काफी खूबसूरत, और आप कोई भी ले सकते हो। ये काफी छोटी मोटी सी है और बहुत अच्छी भी लग रही है, चमकीली टाइप की, इसे ले लेते हैं। और भाई ये सारी पुरानी है, कोई सी भी नई चैन नहीं है, सारी यूज चैन है, तो आप ला सकते हो 500 रुपए आपको दे देगा। वैसे भाई मेरे जानते हैं तो मुझे तो भाई मेरी सकल देकर फ्री में दे दे लगे बेकार भिखारी से दे दे बस कार्ड दिस पार्ट क्या। गाइस कितनी प्यारी क्यूट से लग रही है भाई ये छोटी चैन, बहुत प्यारी लग रही है, इसलिए इसे तोड़ देते हैं। गाइस कितने लंबे की तोड़ के, लंबे ऐसे कर सकते हो किसी भी चैन को खींच के, लेकिन भाई ये भी काफी लंबी लग रही है, तो भाई मैं इसे थोड़ा सा कट करूंगा, इतनी बहुत है, मैं इसे भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो गाइस अब काफी बैटर लग रहा पहले से, अभी से जोड़ देंगे। और भाई लेंथ कितनी लेनी है मैं आपको बिल्कुल अभी बता दूंगा, सारे कन्फ्यूजन आपके अभी दूर हो जाएंगे। चलिए तो गाइस सोच के बताओ ये क्या बना होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, ये बहुत ही बेहतरीन मजबूत सस्ता जुगाड़ वाला ब्रेसलेट बन गया है। आप इसे निकाल भी सकते हो, हाँ ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा देखिए आप अपने हाथ के अनुसार बना सकते हो साइज के हिसाब से, है देखिए निकल गया, और आप इसे पहन सकते हो। थोड़ा सलमान खान बनने की कोशिश, और नकली सलमान खान बनने में क्या जा रहा है, देखिए कैसा लग रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लूँ इसे हो जाए, देखिए बहुत ही मस्त वाली फीलिंग आ रही है, ज्यादा भारी भी नहीं है लेकिन मजबूत बहुत है, थोड़ा सा डिजाइन में काफी यूनिक लग रहा है। ये सब चांदी वाली की पहनते हैं, मैंने 7-8 साल पहले कभी चांदी की चैन बनवाई थी लेकर मैं आया था, तो गाइस यकीन मानिए आज तक उसका पता नहीं भाई वो कहाँ है, कभी बचपन में पहनता था इस तरीके से, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है। और भाई इसका एक फायदा आप और ले सकते हो इस तरीके से स्पाइडर बनने का, देखिए। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा लग रहा है, मजबूत भी है, और फ्रेंड्स ये वाला आईडी भी आपको अच्छा लगा। तो गाइस जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, 4 आईडी हो गए, चलेगा फटाफट 5 नंबर की तरफ चलते हैं। गाइस 5वीं आईडी के लिए हमने उस चैन का जो बाकी का पार्ट था, दूसरे चैन का दूसरा छोर था, वो वाला पार्ट हमने ले लिया है, और गाइस इसका बहुत ही मस्त यूज करने वाले हैं। गाइस आई होप आपने ये कभी ना कभी किया होगा या कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन शायद इस चैन में ना देखा हो, साइकिल चैन में देखा हो। अगर गाइस देखा हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे फिलहाल उसकी जरूरत है, तो मैं सोच चलिए आपको बताता हूँ, जिस भाई ने नहीं देखा वो देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। गाइस ये चाबी शटर की, गटर की नहीं, गटर की कौन सी चाबी होती है, मतलब शटर की चाबी है देखी, और भाई इस तरह की देखी प्लास्टिक रस्सी सुतली कहते हैं ससुरी, ये बांध रखी है देखिए, इस तरह का तार बांध रखे, ये मेरे पापा का काम है, जैसे गाड़ी वाड़ी खड़ी करते गहरा गहरा जोता है ना, या शटर वटर चाबी दुकान की, तो भाई इस तरह से टांग देते हैं, ये कितना अजीब लगता है ना देखिए, इस तरह से बड़ा बुरा लगता है, तो भाई आज हम सुधार देंगे। तो सबसे पहले ना कट कट कर लेते हैं, अगर ये कट हो जाए तो आज पापा भी चौक जाएंगे, समझ तो ना क्या कर दिया। अब भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, देखिए ये तो थोड़ा ठीक है, इसका होल तो काफी बड़ा है, इनका होल काफी छोटा है, तो भाई इनको होल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हो गया काम बढ़िया, अब भाई ना करते हैं इसके अंदर फिक्स।
तो ले जाए भाई। अब बताइए कैसा लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है, थोड़ा मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला और काफी अच्छी तरह से चाबी को होल्ड करके रखा है इन्हें। जाइए आराम से, लोगो खोलिए और भाई आराम से टांग दीजिए। तो गाइस इस तरह से आप इसका की चेन की तरह यूज कर सकते हो भाई साहब, बजाज सालानी कोई जरूरत नहीं है, इतना मजबूत जितना मजबूत भाई आता है कबाड़ा चैन का, आप इस तरह का की चेन बना सकते हो मस्त वाला बिल्कुल। आप फ्रेंड्स ये वाले पांचों आईडिया आपको अच्छे लगेंगे, ये वाला पांच आइडिया काफी अच्छे लगे दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भाई, जो पता नहीं पांचों में से कौन सा आइडिया आपको मस्त लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।